I with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs. Whatever, son, you're talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing, doing damage up in here. I'ma have a couple beers and show a piece of what I'm made of. Cut from the. तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ. नमस्कार, कैसे हो आप सब. मैं सुमंत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ. जैसा कि काफ़ी दिनों से आप मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, तो आज हम फाइनली अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए हैं, डिस्काउंट लेके आए हैं. दिवाली का सीज़न है तो क्यों नहीं डिस्काउंट लेके आएगी. इस बार हम जरूर डिस्काउंट लेके आए हैं आपके लिए. और एक और सबसे अच्छी बात, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ इज़ अ फर्स्ट. क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो इसमें हेल्थ तो बड़ी ज़रूरी है. तो हम आ चुके हैं एक जिम पे, हांसी में. मुझे नहीं लगता इस जिम का मुकाबला अभी अभी कोई कर सकता है. बाकी हम आपको दिखाएंगे, आप कमेंट में भी बताना ये जिम कैसी बनी है. इस जिम का नाम है HR21 मसल कैंप. तो आइए आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं. जैसा कि हम नीचे से चल के ऊपर आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये जिम है HR21 मसल कैंप. और ये देखिए, यहाँ पे सैनिटाइज की फैसिलिटी दे रखी है, यहाँ आप देख सकते हैं. और हम हमारे कैमरामैन को कहना चाहेंगे, ये देखिए, दिखाइए यहाँ से, पानी सा पानी सा पानी सा. चलिए अब मिलवाते हैं हम यहाँ के ओनर, ट्रेनर और हमारे प्यारे दोस्त मिस्टर भरत जी. कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, गुड इवनिंग. कैसे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, पूरा शूट कर लिया, अब हम दोबारा आए. हमारे लोंडे ने और देखा ही नहीं था. और सर, पहले तो आप, हम कहना चाहेंगे भगवान जी को आपने यहाँ रखा है, गणेश जी को, बहुत अच्छा है, इनके दर्शन कर चुकी बॉडी है. हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, और गणेश जी को हर एक जगह पे सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्थान दिया जाता है, फर्स्ट पूजनीय. जी, फर्स्ट पूजनीय. तो जैसे ही हम जिम के बीच में एंटर करते हैं, इनको नमस्कार करते हुए हम एंट्री करते हैं अपने. ये बहुत अच्छा लगा, हमारे बहुत अच्छी शुरुआत होती है. चलिए अब हम यहाँ देख सकेंगे सर, यहाँ पे सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है, जैसे कोविड को देखते हुए. जी, यहाँ पर सैनिटाइजर सेंसर लगा रखा है, और प्लस में हमने बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए हमने ये रख रखा है. तो जैसे भी हमें कोई डाउट होता है तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर वगैरह देखकर. ये मेरा कुछ डाउट आया इसमें? नहीं, नो सर, आपका बॉडी बिल्कुल ओके है. बिल्कुल ओके है, कहीं भी चला जाओ. जी बिल्कुल. अच्छा ठीक है, तो हमारी एंट्री है सर, बिल्कुल आपको जिम दिखाते हैं. अब हम दिखा सकते हैं जल्दी से, यहाँ देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छे, मतलब ये देख लीजिए फ्लैग जो भी लगा रखे है. और वहाँ देखिए आप, दानव मानव, जहाँ से छोटी छोटी चीजें मतलब अट्रैक्ट करती है, ये चीजें करती हैं. और आपको अभी आपको वर्कआउट यहाँ से पहले हमें ये चीज दिखाए गए. ये इसलिए लगाया, काफी सारे बच्चे जो आते हैं अपना बिगनरों के ऊपर अपना रोग जन्म बीमारी की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये चीज लगाई है ताकि वो बच्चों को परेशान ना करें. ठीक है, पार योर ईगो एट द डोर. तो चलिए अब हम आपको दोबारा ले आए हैं इस प्यारी सी खूबसूरत से जिम में. और हम फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक बारी शूट करके चले गए थे, अब दोबारा आ चुके हैं. चलिए सर, पहले तो एक बारी जिम दिखा, जिम देखिए, ये देखिए पूरी की पूरी, ये देखिए. ये फ़ोन भी बड़े ज़रूरी होते हैं आने, क्योंकि बॉडी बनाएगा तभी तो इम्प्रेस होएगा कोई. चलिए, ये ट्रेडमिल होगी ना सर, करते हैं. बिल्कुल, ये ट्रेडमिल है, तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल है. यहाँ पर दो लगाए हैं, फेस को ध्यान देते हुए यहाँ पे दो ट्रेडमिल लगाए हैं मैंने. ठीक है, अब प्रो बॉडी लाइन की. जी, जो ये प्रो बॉडी लाइन की आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जितना भी ये मशीन्स हैं, ये प्रो बॉडी लाइन का जो है पूरा सेटअप मैंने कंप्लीट जो किया है, प्रो बॉडी लाइन का सेटअप लगाया है. मैं इधर आ जाता हूँ. हाँ, ये
ये हमारा कर्व ट्रेडमिल है सर। अच्छा ठीक है, ये मैनुअल पावर पे चलता है। ओके ठीक है, अपने स्टैंड अपना स्टैमिना जो है उसके ऊपर ठीक है चला सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारा एडवांस लेवल का क्रॉस ट्रेनर है। बहुत ही अच्छा, पूरा 90 डिग्री पे जो है आपके स्टेप मूव करते हैं इसके ऊपर। मैंने तो ये अभी तक नहीं देखा जी। कितने प्राइस का होगा सर ये? सर ये प्राइस नियर अबाउट होगा 140 के आसपास। 140 घर में जिम बना लूँ मैं पूरी। अब ये देख सकते हैं हम, हमारे स्पिनर बाइक हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत स्मूथ चलते हैं ये हमारे स्पिनर बाइक। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। चलिए ये हम इसकी बात, ये देखिए हमारे ये बड़े खास लगे हुए हैं। काफ़ी सारे बिगनरों को जो है जिम करते हुए प्रॉब्लम आती है। हाँ जिम का बेसिक स्टार्टर जो है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारा पुशअप्स और चिनअप से होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिगनरों को बहुत प्रॉब्लम आती है चिनअप्स लगाने में, तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है। ये क्या है कि आपकी मशीन आपको सपोर्ट दे रहा है, ये देखो ठीक है, यहाँ से आपको टेक्निकली आपको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपको चिनअप्स के बीच में इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर आप आइए, आप नीचे आइए, आप हर जिम करिए और ट्रेनर साहब हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट जिम आप आगे मैं और अच्छा आप ही बता पाएंगे, अभी मैं बिगनर्स हूँ। ओए होए, चलिए आप करते रहिए फिर, हमें तो लगा परफेक्ट हो। चलो ठीक है सर। ये सर ये रहेगी, ये क्या है? राम राम, नमस्ते। आओ ये देखो, अच्छा अच्छा, मंदीप मंदीप सैनी है। ये थोड़ा सा हेल्प करेगा हमारे मशीनों में, थोड़ा सा बताने में। हर मशीन पे आपने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो जी। ये जैसे कि शोल्डर प्रेस, ये मल्टी प्रेस है इस मशीन का नाम। ओके, ये देखो, चलो करो। हाँ शोल्डर, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप शोल्डर का जो है शोल्डर मूवमेंट हो रही है ये। ठीक है, इसमें क्या है आपकी मसल पूरा वर्क कर रही है शोल्डर। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आपको बैलेंस करनी है, आपको वेट का ध्यान रखना है कि रोड से निकल ना जाए, इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। स्माइल देखो छोरे की, ये मुंह पे स्माइल आ गई है कि मतलब भी, जैसे कि अभी आपने देखा था कि शोल्डर पे ये मल्टीप्रेस पे अभी शोल्डर का लगा के गए थे। अब जैसे ये बच्चा बिगनर है, ठीक है, अब इसमें कोई रोड बैलेंस नहीं करने आता, इसको किसी तरह का कोई वर्कआउट नहीं आता, इसको प्रॉब्लम हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये इस मशीन पे बिल्कुल इजीली कर सकेगा। अब हम इसे चेस्ट प्रेस की थोड़ी सी नॉलेज देंगे। ये देखो, ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो, अच्छी अच्छी बॉडी बना के जाना यहाँ से। आप लेट जाओ यहाँ पर। अच्छा ये बताना चाहिए, बिगनर है, ऐसे ही थे हम जब जिम में आते थे, ऐसे ही थे, अब तो पेट निकल आया। चलो ओपन उठाओ इसको। हाँ ये देखो, ये जो है ये देखो, ये बिल्कुल इजीली वर्कआउट कर पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा चेस्ट वर्क कर रहा है। ये देखो इसका, ये देखो, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल शेप में बॉडी इनकी देखिए कैसे तरीके से लग वो रही है। बोलते हैं कि अपने चेस्ट का अपना ये पूरा पोस्टर सीधा होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग देखो मशीन पूरी टेक्निकली सेट करी हुई है। ठीक है बस भाई, ठीक है भाई, कैसा लगा? बढ़िया भाई, बहुत सही भाई। चलिए ठीक है, आइए। ये जिम, ये हमारा लैटरल आर्म हाई रोइंग जो हमारी हैमर सीरीज है। ठीक है, ये बहुत ही हल्क मैन के लिए हैमर सीरीज। ये देखो, ये आपको एक मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये हमारा हैमर सीरीज है। ये स्मूथ है, मतलब बिल्कुल स्मूथ है। इसके बीच में क्या है, आप मैनुअल वेट डाल सकते हो, कितना मर्जी आप वेट डाल के इसके बीच में जो है वर्कआउट कर सकते हो आप इसके। चलिए ठीक है, मेन मशीन दिखा देते हैं हमारे। ठीक है ठीक है, मेन जैसे अब ये वाली, ये लेग प्रेस होगी। हाँ ठीक है, लेग प्रेस होगी भाई, आगे करो लेग प्रेस। हम इसे लेग कर्ल बोलते हैं। ठीक है, लेग कर्ल जो आजकल जिम्स में जो आपको मिल रही है, लेग कर्ल जो आपके सीटिंग में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आपका जो पाँव है पूरा मूव नहीं करता। ठीक है, तो इसके ये देखो, ये बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लेग कर्ल मशीन है बड़ी। चलिए ठीक है, इसके बीच में क्या है, आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी आपका हैमस्ट्रिंग पूरा काम वर्क करेगा। ये देखो, ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मूव कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट, ये हमारा लेग एंड ट्रैक्शन। हाँ हाँ,
ठीक है एक बार। हाँ, और ये हमारा केबल कर्ल है, केबल क्रॉस ये हमारा केबल क्रॉस है। ये आजकल स्पेस की को देखते हुए ये आजकल जिमों में पाया भी नहीं जाता। ये हमारा ओल्ड स्कूल का मशीन है, ठीक है। और सॉरी हमने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। नहीं डिस्टर्ब नहीं, हम इनसे भी बात करेंगे एक बारी। तो ये ओल्ड स्कूल का मशीन है, केबल क्रॉस, बहुत काम का मशीन है ये। आजकल क्या है, हर जिम वर्क के बीच में क्या है, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से इस केबल क्रॉस को जो छोटा कर दिया उसका नाम रख दिया मल्टी फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर केबल क्रॉस ही लेके आए ताकि वर्कआउट जो है हर तरीके का करा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर ये सब वर्कआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखो, ये आप ये देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मे बी अगर ट्रेनर बिजी होता है या फिर कोई वो अपनी पीटी पे वर्क करता है, कर है, तो यहाँ पर वो देख के भी कर सकता है अपना वर्कआउट। चलिए ठीक है जी, हम यहाँ पे एक बार एक दो बाइटें भी ले लेते हैं। सर एक मिनट आइए, आप यहाँ पे जिम कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है आपको जिम? बहुत बढ़िया लग रहा है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उज्ज्वल है और मेरे को इधर 3 से 4 महीने हो गए बारबिया से जुड़े हुए। तो मैंने 15 kg गेन कर लिया है, बहुत अच्छा बल्किंग हुई है मेरी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मतलब ये जिमिंग वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे? स्टार्टिंग में आई थी इसलिए मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि बाहर मेरे को एक टाइम पे लगा बिगनर के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, बिगनर के लिए बहुत बढ़िया है। एक होता है स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ में एक बॉडी बनाना एक बहुत अच्छा एक एम माना जाता है, तो बॉडी बनाई है। अब जैसे देखिए सर ने भी आपने भी बनाई, फिर यहाँ पे आके वर्कआउट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो बिल्कुल मेरे को लगा नहीं था कि इतना अच्छा बल्क हो जाएगा। चलिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं सर, आप करते रहिए और नाम रोशन करिए सर। ओके ठीक, थैंक यू। हाँ जी भारत जी, जल्दी जल्दी ब्रीफ में आपको वहाँ का। जैसे कि आप अभी मिले हैं वो मेरे क्लाइंट बन के आए थे पहले स्टार्टिंग में, अब मेरे फ्रेंड जैसे हैं वो, मेरे भाई जैसे, डॉक्टर उज्ज्वल, ये बाहर रहते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी जिमों में वर्कआउट किया लेकिन वहाँ से इनके हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अभी 3 मंथ से ये मेरे पास गेनिंग के लिए आए थे, अपनी बॉडी गेन के लिए। 3 मंथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने इसकी 12 kg वेट जो है 3 मंथ में हमने इनका वेट जो है गेन किया, 12 kg वेट गेन किया इनका नेचुरल तरीके से। और ये हम ये दिखाना चाहेंगे जी, ये हमारा बटरफ्लाई है, हम इसे पैकडेक फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब मशीनें जो है हर जिम में आपको थोड़ी कॉमन मिल जाएंगी। हमारे जिम में क्या है, जो हमारे जिम में हैश टैग करने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ये केबल क्रॉस लगा रखा है और साथ में एक मल्टी फंक्शन भी लगा रखा है। जिम के बीच में ग्रुप हो जाए, ग्रुप वर्कआउट करवाने के लिए, या फिर किसी तरह की जिम के बीच में गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, वर्कआउट प्रॉब्लम्स आते हैं काफ़ी सारी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ें डबल कर दी, ठीक है, ठीक है, ताकि गैदरिंग होने के बाद तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे गैदरिंग आप होने भी नहीं दोगे क्योंकि कोविड, बहुत अच्छा स्पेस है और कोविड के चक्कर में थोड़ा सा गैदरिंग होने भी नहीं देते। बैच बना रखे हैं और बैच के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, हमने टोटली ही बैच के बीच में 15 से बच्चे ले रखे हैं। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं लेग प्रेस है, ये लेग प्रेस है पूरा हैम्बर स्टैंस के साथ, आप ये लेग प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके बीच में स्टेमिना है, स्टैंस है, तो इसके बीच में आप 500 नियर अबाउट इसमें वेट लोड करके जो है वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। आजकल जैसे आजकल आप देख रहे हैं ये कैप्टन अमेरिका थीम्स के बीच में ये डंबल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कैप्टन अमेरिका के थीम के हिसाब से डंबल चल रहे हैं, तो हमने यही थीम चूज करी क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं ये बच्चों के लिए। हाँ, डंबल जी हमारे पास बिल्कुल, देखो बहुत सही है, ठीक है। और यहाँ पे काफी मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्पेस कुछ ज्यादा ही है, है ना, बाकी जिम के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। ये हम आपको लोगों को दिखाना चाहेंगे इनका HR21 मसल कैंप का। देखिए इसमें लड़का भी दिखाई दे रहा है, मेरे को लड़की भी दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है इन्होंने दोनों को इक्वल लेके चले गया, है ना सर? जी बिल्कुल सर, ये मैंने यूनिक सेक्स जो है यूनिक सेक्स जिम बनाई है, ठीक है। अगर कोई फीमेल्स बॉय टाइम के बीच में वर्कआउट करना चाहती हो तो उसे किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से अपना जो है वर्कआउट कर सकते हैं। लड़की यहाँ पे आना चाहे और जिम किसी भी टाइम करना चाहे तो वो कर सकती है। बिल्कुल सर, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक किसी टाइम मर्जी वो वर्कआउट कर सकती है। अगर कोई फीमेल अपना अलग से फीमेल टाइम्स के बीच में वर्कआउट करना चाहती है, उसके लिए हमारे पास फीमेल ट्रेनर है, फीमेल सिक्योरिटी है, ठीक है, और कैमरा सिक्योरिटीज भी है यहाँ पर, ठीक है। वो फीमेल टाइम के बीच में वर्कआउट कर सकते हैं, जो फीमेल टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 5 के शाम को 5 बजे तक। तो ये गर्ल्स को है ना सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेनर भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, सीसीटीवी कैमरा भी होगी और साथ में तो
आप तो गाइडलाइन दोगे जी। बिल्कुल सर, हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर फीमेल ट्रेनर मिलेंगे फीमेल्स वर्कआउट के लिए, और मेल टाइम में तो यहाँ पर मैं हूँ ही आपके वहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए। कुछ भी छोटा मोटा किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप हो ही। हाँ चलिए, अब यहाँ से जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे और आप यहाँ देख सकते हैं, ये ना ये बोतलों का बड़ा क्रेज़ होता था, काली पीली नीली सारी बोतलें यहाँ पे है, देख सकते हैं बहुत, नहीं लस्सी नहीं कर रहे, लेकिन ये सच्ची में इनका भी एक रोल होता है जिम में हमेशा, हम हाथ नहीं लगाना चाहेंगे, रोल चल रहा है। चलिए ये बेंच प्रेस, आइए सर आप यहाँ आइए, यहाँ बताइए बेंच प्रेस। ये मेरे जिम के बेंच जो हम इसे फ्लैट बेंच बोलते हैं, ठीक है, जिसको जो वर्कआउट कर रहा है कंटिन्यूसली, जिसको अच्छे वर्कआउट की नॉलेज है, वो बेंच को और रोड को बारबल को, ये यूएसआई की बारबल है जो ब्रांड के बीच में, जो स्पोर्ट्स के बीच में यूएसआई बहुत ब्रांडेड और बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेंच के बारे में बताना चाहूँगा, ये बेंच की फिनिशिंग और बेंच की टेक्निकली इस हिसाब से बनी गई है, आधा बॉडी स्ट्रक्चर तो आपका इसके ऊपर लेटते बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना वेट है इसमें, इस बेंच के बीच में वेट, अगर हम इस बेंच के वेट की बात कर रहे हैं, खाली इस बेंच के वेट में 140 केजी वेट है। सैंपल में तो बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। बिल्कुल, हमें सैंपल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। बड़ी हार्ड है भाई, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये प्रो बॉडी लाइन आप देखना चाहेंगे, ये सब ये प्रो बॉडी लाइन का सेटअप है, आप शायद उसे जानते भी होंगे, जो फिटनेस के इंडिया के बीच में उनको फिटनेस किंग भी कहा जाता है। संग्राम? नो नो सर, साहिल खान जी। ओके, साहिल खान की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। okay. और ये साहिल खान का जो है, ये साहिल प्रो बॉडी लेंस साहिल खान का सेटअप है, ये वही मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं साइड में मेरी फोटो चल रही है साहिल खान जी के साथ, देख सकते हैं आप, ये है हमारे स्टार, ये एक्सक्यूज मी मूवी में भी आए हुए हैं जी, एक्सक्यूज मी मूवी में भी है ये। हाँ जी, और ये देख सकते हैं ये बॉल का भी कुछ रहता है, ये मेन रोल, इसके ऊपर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हमारा जिम वर्कआउट है, हमारा फ्री स्टाइल के जिम वर्कआउट इसके ऊपर काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये भी बेंच प्रेस जी, ठीक है। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये हमारा हैम्बर स्टैंग का जो वाइल्ड चेस्ट प्रेस बेंच है, ठीक है ठीक है, ये वाइल्ड चेस्ट प्रेस है। okay. काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये वाली कि सर मेरा चेस्ट गेन नहीं हो रहा, मेरे चेस्ट के मसल में शेप नहीं आ रही, तो इस चीज़ को मैंने ध्यान रखते हुए ये वाला बेंच जो है ये पूरा ही चेस्ट के ऊपर मसल्स के ऊपर जो है वर्क करता है ये, बहुत ठीक है। अभी तो फिलहाल इस समय वेट बहुत कम है, मैं आपको फिर भी आपको इसके बीच में दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है, ये आपके प्रॉपरली चेस्ट मसल पे जो है ये वर्क करेगा, ये देखिए आप, ये और ये दिखने में बहुत पीछे से आप देख सकते हैं थोड़ा सा, मैं कहना चाहूँगा पीछे से आप देखिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पूरी आप मशीन दिखाई, क्या खूबसूरती से ये मशीन को बनाया गया है, हर एक चीज का सेटअप है। आपको में ये मशीन थोड़ा एक ये भी है, ये दिखने में मशीन आपको थोड़ा बड़ा और अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मशीन पूरा प्रॉपर मसल पे वर्क करता है। okay. और प्लस में ये बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आपने जो हरियाणा में बोलते हैं भाई मक्खन है, मक्खन क्रीम की तरह चलता है, तो ये बिल्कुल स्मूथ चलती है। चलिए ठीक है, तो आप वो एक चीज और दिखाना चाहूँगा इस जिम के बीच में, ये इसे कैमरामैन भाई साहब, हमारे भाई लोग इधर आइए, इसे हम सुपर स्क्वैट बोलते हैं, इसके बीच में आपकी लेग की मसल की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। अभी सारे बिगनरों को प्रॉब्लम आती है स्क्वैट करते हुए कि हमारा पोस्टर सीधा नहीं हो रहा है, एडी उठ रही है, हमारी मसल पे पूरा जोर नहीं आ रहा जी, ये लेग का है, तो इसके बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसके बीच में आप देख सकते हैं बॉडी और मसल्स कितना अच्छा वर्क कर रही है, ये कितना वेट चल रहा है यहाँ पे। आप इसके बीच में कितना मर्जी, आपका एक स्टेंस पावर होना चाहिए, आप कितना मर्जी वेट मार सकते हो, ये हमारा जो मशीन है स्पोर्टेड बाय 600 केजी, आप इसके बीच में वेट तक लगा सकते हो, आपके स्टेंस होना चाहिए, आप कितना वेट लगा सकते हो। आइए, ये तो जिम दिखा दी, अब इनसे पर्सनल बात करते हैं, इनके एक बहुत बढ़िया एरिया बना रखे, ये देखिए यहाँ पे बड़े पुराने पुराने बॉडी बिल्डर की पोस्टर है सर यहाँ पे तो जी, है। ये हमारे बॉडी बिल्डिंग के हमारे उस्ताद माने जाते हैं, रोनाल्डो आर्नोल्ड, आर्नोल्ड आर्नोल्ड बोलते हैं इनका, तो एक होटल के बाहर इनका स्टैचू भी लगा हुआ है। ये बहुत ही पुराने फिटनेस मॉडल एमिली स्काई हैं। ओके, जिनको ये फीमेल्स को इसलिए लगाया गया है कि ताकि फीमेल्स इनको देख के थोड़े मोटिवेट हों। सर क्या बात कर रहे हो सर, प्रो बॉडी लाइन साहिल खान की फोटो ही नहीं, थोड़ा एक्चुअली सर साहिल खान की फोटो लगाएंगे अभी, स्पेस है, अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं हमारा ट्राई रूम है, अच्छा ठीक है, और इस साइड हमारा वॉशरूम है,
और ये हमने क्या है, कोरोना टाइम थोड़ा सा चल रहा है तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने डिस्पेंसर पे तो हमने फैसिलिटी की है पानी की, लेकिन उसके लिए हमने अलग जो है आरओ भी लगाया है, ठीक है। जैसे कि अब हर कोई अपने घर से बोतल लेके आ जाए और यहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से आरओ में से जो पानी है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपको किसी तरह की कोई आपको ये चीज़ हो कि किसी ने टच कर रखा होगा आपके पानी डिस्पेंसर पे या कुछ, और आप सीधा डायरेक्टली यहाँ से पानी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना वैसे बेसिकली बोतल अपनी सारी लेके आते हैं, तो इसलिए किसी सेम बोतल में तो कोई जी जी। चलिए आप इधर आइए, ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप सा बना रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बना रखा है या कुछ और है सर? ये सर मैंने इसलिए बनाया था कि ये सर इसलिए बनाया गया है कि अब जैसे कि हमारे जिम के बीच में बच्चे वर्कआउट करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि 3 मंथ में यहाँ पे आपसे नहीं बच्चों के साथ गेम करवाया जाएगा कि किस बच्चे का कैसा गेनिंग चल रहा है, वो कितना आगे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसीलिए इसका एक छोटा सा ये बनाया गया था ताकि यहाँ पर मैं गेम करवा सकूँ मेरे जिम के बच्चों के साथ आपसे में से। चलिए अब हम आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डिस्काउंट दे रहे हो? सर डिस्काउंट एक्चुअली क्या है, हमने क्या कर रखा है, अभी नवरात्रे प्लस दीपावली ऑफर कर रखा है जिसका फीस है मंथली 1200 रुपये और 3 मंथ के 3300 और एयरली 11000 रुपये, ठीक है। ये हमने पैकेज बना रखा है और वैसे हमारा जिम का फीस है जो आप विदाउट पैकेज में लोगे, जो ऑफर्स के अटके लोगे, ऑफर अगर चले जाएगा तो ऑफर के बाद आप लेते हो तो 1500 रुपये महीना और 4000 रुपये 3 मंथ के और 12000 रुपये पर मंथ, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है जी सर, अगर मेरे चैनल के थ्रू कोई आएगा तो क्या गुडीज देने वाले हो, गिफ्ट देने वाले हो? देखिए मैं आपको आपके तरफ से इस चीज़ को मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सर, ठीक है, आपको भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपका भी मान सम्मान है। एक्चुअली क्या है, छोटी सी हंसी है, सब भाईचारे में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपके ऑफर्स की आपके बात करता हूँ तो जिम के बीच फीस के बीच में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने कंप्लेंट सुनी है कि भाई वो मेरा नोन है उससे 800 रुपये ले ले, काफ़ी सारी जिमों में ये देखा है मैंने, उससे 600 रुपये ले लिए, फलाने का इतना ले गया, मेरा इतना ले गया, ये भाई तो, लेकिन बच्चे हैं आपसे में मिलते हैं जुलते हैं, बातचीत डिस्कस हो जाता है, लेकिन मैं अपने जिम का जो नाम है वो मैं ऐसा वो नहीं करने जाता, तो इसलिए सबसे फीस इक्वल रहेगी। आपकी तरफ से ऑफर की बात कर देता हूँ तो आपको गिफ्ट मैं यही देना चाहूँगा, जो भी आपकी तरफ से आएगा उसके लिए 2 मंथ की जो है ट्रेनिंग वो फ्री दे दी जाएगी, पर्सनल पीटी जी, पीटी पीटी के भी बहुत चार्जेस लगते हैं भाई, देख लेना यूट्यूब पे डाल के, पीटी फ्री मतलब बहुत, आई थिंक 5000 रुपीज़ पर मंथ होते हैं जी, तो ये 10000 का ऑफर सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए है, आइए और ले जाइए। और एक और बात, गर्ल्स के लिए आपने बता दी ये टाइमिंग रहेगी, अगर कोई भी ग्रुप आता है, कपल आता है, तो वो कभी भी किसी भी टाइमिंग आ सकता है? हाँ, ग्रुप कपल वो किसी टाइम मर्जी आ सकता है, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर और रात को 9:30 बजे तक कभी मर्जी आ सकता है। ठीक है, तो लेट किस बात का, आइए और ज्वाइन करिए, HR21 मसल कैंप आपका वेट कर रहा है। और अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे सर, और ये हमारे मिस्टर भरत जी, आप आइए, ये आपको मिलेंगे। हमारा जिम का जो लोकेशन है, टाइमिंग सर हमारा जिम का लोकेशन जो है, आप लोकेशन की बात करते हैं, हम लोकेशन जैसे कि हमारा जिम थोड़ा सा एक कॉलोनी है, सोसाइटी सी है, माँ भगवती विहार जिसे बोलते हैं, जल्दी से मिलता नहीं है, और है कि बिल्कुल ईजी लोकेशन है, लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जीन चौक, ठीक है, नियर इजी डे, ओके, और माँ भगवती विहार, माँ भगवती विहार के जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको HR21 मसल कैंप का जो है वो बोर्ड लगा है दिख जाएगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको लिंक के बीच में आपको शेयर दे दूंगा मैं, ठीक है। और ये भाई मेरे भाई का चैनल है तेरा मेरा सच, तो इसे सब्सक्राइब करिए, जो भाई जो भी मेरा भाई है और जो भी मेरे जिम के क्लाइंट हैं उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। और टाइमिंग, टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और इवनिंग में 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ये जनरल टाइमिंग है, ये जनरल टाइमिंग, फीमेल टाइमिंग, यूनिसेक्स का टाइमिंग, फीमेल टाइमिंग, और फीमेल टाइमिंग के बारे में बात करें 10:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक। आ जाओ भाई, अब लेट मत करो, लेट करके फिर ऑफर चला जाएगा, HR21 मसल कैंप आपका वेट कर रही है, आइए और भरत जी से मिलिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।